करा भी नहीं सर वो हाँ कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से दूर लिए हाँ वो है तब तो भाई एक बार फिर सारे भाइयों राम राम और जितने भी लोग सुन लग रहे हैं उन तो सारा तो बताओगे भाई क्योंकि कुछ आदमी हैं जो पहला तो बिल में बढ़ रहे थे जब ब्रजभूषण की बात थी जब छोरिया के मान सम्मान की बात थी इवे नहीं उनकी कह बहार बेटा बाहर लकड़ो तुम थारा समा आ गया हिब तब तो ये लकड़े आए बाहर समाज में अलग अलग चीज फैलानती है समाज के ठेकेदार बन के तो उस चीज पर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिन ने हमारा सपोर्ट करा पूरे देश में थे दस दस बीस परसेंट आदमी थे जो इनके से बाई जो दर्ज भूषण का सपोर्ट कर रहे थे तो दस बीस परसेंट भाई और पैसा आदमी है सब ने खरीद भी लेगा और वो भी दबंग आदमी है तो सारी डाला था जो जिनका जमीर ना है ना उनमें सारी डाला गिर लेगा अड्डा तो इनका जमीर जा गया है जब ये ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਜਬ ਜਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਤੋਤ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੋ ਆਮਨਾ ਤੋ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਾ ਜਿਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾਤਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਪਾ ਆਪਣੀ ਬਤਾ ਜਿਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਮੁਖਾਇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਾਂ ਥੋੜੇ ਸੇ ਬਲ ਕਾ ਹੌਸਲਾ ਉਰਪੜੇਗਾ ਹਮ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਹਮ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ੀਲ ਮੈਡਲ ਲਿਆਇਆ ਥਾ ਕਿ ਭਈ ਅੱਛਾ ਨੂੰ ਵੀ 올림픽 ਮੈਡਲ ਲਾਵਾ ਹਮਨੇ ਵੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ तो वो क्या हम भी थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन करें उस कुश्ती में थोड़ा सा कर लें इस कुश्ती में दो मेडल ले लियाओगे तो और बालक आगे बढ़ेंगे आस पड़ोस के गांव के बढ़ेंगे गुआंड में तो जाओगे तो वो एक हर एक अलग अलग एरिया हैं तो बस एक वो संघर्ष करके नाम इतने ऊपर बढ़े हैं और उसके बाद में मतलब उस कुश्ती ने बदनाम कर खातर कुछ लोग जो मतलब अपने आप आपने भगवान बतावा है जो कुश्ती का एक्चुअल में है नहीं वह वह इंसान के लायक भी नहीं है मैं तो कहूंगी वो लड़कियां की इज्जत करने भी नहीं जानते किसे भी लेवल पे और वो कुछ दिन भलाई के उसमें दिखा के आगे एक वो करके ने वो बस राजनीति चमकाने के चक्कर में लगा लो या उनकी ना गलन रही है इसके कारण लगा लो क्योंकि बेरा लाग लिया कि हाँ तारा सब ने बेरा लाग लिया कि ये किस लेवल के आदमी है कितने मतलबी स्वार्थी आदमी है अपने मतलब मैं जब भी आया करता जब तो पैराम पड़ी रहा रहते ब्रजभूषण कह गुरु जी मेरा इसमें नंबर डलवा दो गुरु वो ट्रायल मत लेना गुरु ये वेट मत दिखाना वो जब तो सब कुछ ठीक था लेकिन जैसे ही वो गुरु जी हटा उस गुरु जी ने बचाने खातर फिर उस गुरु जी ने उतना करा ख्या था उसका चुकान था, तो फर्ज बनाया था है ना वो गुरु जी की वो वापिस लौटाने खातर फिर वो आए हैं सामने आए हैं और मतलब दुख इस बात का है कि कुश्ती का सारा लगे जिस कुश्ती में इतने लोगों ने एक इतने साल कंट्रीब्यूशन दिया है बढ़ाने खातर उस कुश्ती ने न्यू फेसबुक पर मतलब आना मेरे खातर बजरंग खातर अमी ट्रेनिंग करने लाग रहे हाँ

ये है ना ये बरसाती मिंडा की लकड़का आए है ना ये ये जब करे थे जब अट्ठाईस तारीख में जब छोरिया का जब रोड पर गहराया जा रहा था चार तारीख का मामला था चाहे अट्ठाईस की बेटी नहीं थी जब तक ये न्यू कहते ठेकेदार मैं नाम लेगा ना उन करना चाहता क्योंकि वो समाज में कति जीरो रहे है समाज खतर कुछ करे नहीं उन नहीं देखा भाई हाँ इन बड़का का सारा लेगा तुम ऊपर नही उठ जाओ अगे इनके इनका नाम लेगा ऊपर दोबारा राजनीति चमका जो समाज में, समाज में इज्जत है वो हमने तो कोई ट्वीट नहीं आया तो बोला एक भी लड़की आगे ना आ ना तब बोला मैं गला खड़ा पाऊंगा इब कड़ा गया वो गल्लाट कर क्या कहा बोला अपवित्रता अप्रता भाई साहब जब खड़े थी जब दो में चोट में उड़े पार्टिसिपेट बिना हो रहा देश का वर्ल्ड चैंपियनशिप में ओलंपिक क्वालिफाई वाली में जब आप कड़े थी दो थी 2014 की कॉमन गेम्स की ट्रला में बिना सीधा नंबर करवा के 2018 एस इन गेम्स के 14 की ए, सीधा नाम करवा के जब भूषण ने खातर के कर दिया था के ब्रजभूषण खातर जब ये भी तो भाई चलो ठीक है लेकिन मारे सारे राजनीति ना चमके लोग सारी समझे है जो समाज था ना वो मारी गल्ला बैठा था की का बेरा है, के है? वो मारी, मारी गाज एक, एक अपने, अपने बता है सह वो कुछ भी कौन या महाराज जा नाम पे था वो कलंक है महाराज जाते तो बेरा क्यों महाराज वो बोल रहे के बारे में इतना था, वो गंदा बोल रहा है क्या का महाराज वो क्या का महाराज बोलने का भी एक मैं, मैं एक लेवल हो है कि आदमी हाँ एक उसकी तो है कौन है इतना मतलब या सुना है या है या भी है इतने लेवल पर गंदा बोला है पूरी तो उम्र जेल में छना चाहिए उसके ऊपर तो केस होते ही सीधा जागा वो खिलाड़िया नहीं छोड़ रहा नहीं छोड़ रहा वो कोचान नहीं छोड़ रहा किससे नहीं छोड़ रहा वो इंसाफ ले जा रहा है उसने वो इंसाफ दिलवा एक किसान आंदोलन में

पूरे देश ने टाइम दिया है इतना बड़ा देश है अपना बार बार कोई मुद्दा नहीं उठ पाया लेवल पे ये उठा है तो आओ खिलाड़ी सब सामने आओ जब तो कोई खिलाड़ी ना आया श्यामी क्योंकि अपने पे कौन लागी ना अपने पे लागी तो सब कदर दो है कि मारा क्या मुद्दा इसमें तो अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ रहे हैं तो ठीक है ना पर्सनल लड़ाई हम लड़न लाग रहे हैं जो लड़ाई हम लड़न ला रहे हैं वो कोर्ट में जा रहा है सात लड़कियां ने केस करा कराख्या कोई लड़की केस नहीं थोड़ी कर दे कि नी होगा जब तो केस हुए होंगे और उससे केस को ऊपर

इतना आंगा जब लगा रहे हो ना यो अंगा जब जंतर मंत्र में बैठे थे ना मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ को ना था मैं मैं मेरा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं था ही मैं अब मैं पर्सनल स्वार्थ पत्र अपनी ट्रेनिंग छोड़े मैं भी ना गला बेटिया गला न्यू बैठा था कि इनके इनकी जो बेटिया गला जो गलत हो रहा है जब ये दस दस जूनियर वर्ल्ड की ये बात थी दो की जब सारी सोरी इकट्ठी हो रो थी हाँ हाँ जूनियर जो भी मुद्दा उठा है जो इस मैं जूनियर वर्ल्ड कप उठा था जूनियर वर्ल्ड में लड़किया रूम तो, लड़ लड़ तो, लड़ तो लिका भारी हो रहा था एक दो लड़कियां दो जंतर मंत्र पे भी बोली है खुद माइक लेके ने की हाँ नू जूनियर वर्ल्ड में हो रहा था जब कितने मतलब हर इंसान ने बोल दिया भी इसने पहले सू मैं इसने मेरा लग गया ना बड़ पुषणा काट दिए ये ना फूड डालो ना तो मैं मर जाऊंगा फिर इन्हें शुरुआत करी फूड डालने की पहले ती फिर वो दो चार बालक थे वो डराए हैं धमकाए हैं जो भी है वो गए हैं पीछे खींच गए चलो कोई दिक्कत नहीं हमने

और ट्रायल ट्रायल की बात हमने ट्रायल में किस तक है दिन पहले भी हमने यह बात क्लियर करी थी कि हमने सीधा डायरेक्ट भेजो हम आखिर दिन तक यह कहते रहे हैं आगे भी यह कहते रहेंगे ट्रायल लो जो जज जीतेगा वो जाना चाहिए और इस चीज पर मैं बताऊ नहीं यह ट्रायल वाली बात जो बता ला रहे हैं ये दो में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रायल थी कॉमनवेल्थ के बाद में बजरंग रवि दीपक तीनों डायरेक्ट भेजे गए थे दस दिन पहले ट्रायल ली गई थी। मैं थी वह ट्रायल है, मैं भी थी मैं बहुत बड़ा कंपटीशन है चोट लग जाए मैं दस दिन खेला तो, वो जब कितना क्या मुंह में अगर दस दिन पहले इन्हें बड़का ट्रायल ले हो फिर वह जो अंतिम लड़की है मैं उसने गलत नहीं बता सकती क्योंकि वो अपने हक्की लड़ाई लड़े हम अपने हक की लड़ाई लड़ाई कोई दिक्कत ना है वो अपने अपना अलग मानना है तो वो मानती रहो लेकिन ये कुश्ती की लड़ाई है और मैं उसने मतलब जूनियर है वह चलो उस समझ को नहीं, नहीं चाहिए अपना लेकिन हम गलत है वो चीज मतलब वह गलत है, है ना? हम धरने पर बैठे थे या कुछ भी बैठे थे हम धरने पर कोई मतलब इनाम लेते थोड़ी बैठे थे हमारी फैमिली का एक एक मिनट हमारी फैमिली में कौन मर जाएगा किसे है माँ बाप तो चालीस दिन रोड पर बैठे इतने बड़े सिस्टम के खिलाफ बैठा हो ना माँ जो जाके ना बीती थी उनके ऊपर वो माँ बाप रोया करते डेली फोन करके ना बेटा हो गए जिंदा हो गया था माँ बाप का कुछ हो जाता था तो छह दिन किसी किसने के दिया के था खानदा मर कर उड़े रोड पर, पर पड़े रहाया करते आंधी तूफान आया करता बारिश आया करती ना मरते मरते बचे थे बिजली के करंट का कर चपते चपते दस बारह थे सब इम्पार्ट गया था हमारा कोई ना आया था वर्ल्ड अरवल्ड चैम्बरशिप्रायल थी जबन सात जीरो थी ठीक है

हिम्मत तो आई अपने खिलाफ बोलने की लड़न की जो चीज हम मन में सोचा करते कोई तो तो बोल लो इसके खिलाफ खत्म हो जाओगे चलो तो तो अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है कुश्ती यो पॉजिटिव है लेकिन जो चल रहा है ना यो बहुत गलत चल रहा है कुश्ती के उसमें और फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप के मन ट्रायल दी मनवार आई फिर मैं मेडल लेके आई हूँ फिर मेरा चोट लगी है उस पर कोई नहीं ना बोला कि भाई यो बहुत गलत फैसला था ब्रजभूषण ने दस दिन पहले ट्रायल करवाई ईद चोट लाग इसका कौन जिम्मेदारी किसान किसी चीज की का भी कॉमनवेल्थ मैं तो वो, ए, तो का का भी तो वो ए, मेडल लिया थी जिस मेडल को भी तीन नाम छूट दी थी जबकि थे वह रूल जब, जब कोई क्यों नहीं आया कुश्ती जगत का बोलिया ट्रायल दो कल भी लो, हम भी किसान के आए थे कुश्ती को छोड़ के राजी को नहीं ना हम छोड़ा जब तीन ना हरेंगे हम ना छोड़ कोई भी ना छोड़ सकता गेम ने इतने बीस साल दिए है ना उस लड़की ने बोलिया है, मतलब है, है उसने एक साल तक प्रैक्टिस करी? दरने पे बैठी थी ना जब भी खून क्या आया करते हम सुबह शाम पूरा दिन रोया करते पूरी रात रोया करते आत्मा आत्मत उठा कर दी माइंड इतना खराब था लेकिन फिर भी हमने ट्रेनिंग कौन छोड़ दी हमारा भी तरबी आज भी अंतिम जो कह थी अगर चार पांच जने अरानिया है आज तक एक भाई और मेरे बारे में भी दो तीन भाई बोले है हम भी क्या हम कहेंगे आर निगे हम भी के ना, पर आज तरीनी है जितने आर... तो ये तो तो यूट्यूबर बन रहे है ना ये अपने गुरु के खिलाफ ना बोलना ये अगर ये खिलाफ दो शब्द काट दे क्योंकि टुकड़े वो बिस्कुट नहीं है कुत्ते ने बिस्कुट गिरा रहा वो बिस्कुट गिरे जाहिन है मैं ये बात साजती नहीं बोला हूँ कि कुश्ती जगह बार बार में हमारे कोचिज का नाम लेने लग रहे हैं किरण भी डाका जी हैं आम कौ है वो उन आदमी को आंगली ना देख सकता भैया कमी है और भी कोच है हमारे दूर लेकिन वो कोच सरूत है आखिर तो हमारी गल्ला था जब तो हम ना आए

वे इतने बड़े बड़े जो हमारे खंडवे आए हैं किसान नेता हैं वे नेता न्यू बन रहे हैं उन्होंने थारे कैसे ऐसे गणिये देखे हैं बरम फलानिया ठीक है जब छोरिया की लड़ाई आती ना जब आते थे हम बरसाती मिंडक तो अपने, तो अपने खातर तो सब लड़े हैं अपने खातर तो सब लड़े हैं जब मैं बजरंग जब हम गेम में अपने पीक पोते पो हुए भी हमने न्यू बेरा मेडल ला सका हम वो भी मेडल ला सका फिर भी हमने सब कुछ दाव पर लगा के हम बैठे हाँ छोटे कुश्ती हमने अपनी जिंदगी का ऊपर लगा रखी है हमने न्यू नहीं बेरा कदम वो गोली मरवा दे इतना गंदा आदमी है इतने गंदे आदमी का है रियाड़ा है सब कुछ है उसके पास में वो कद हमारा गोली मरवा के मरवा देगा हमने ना बेरा हमारी फैमिली भी न्यू ना या ना, माँ बाप को दौड़ता हमने जो कोई नहीं लगा सकता और फिर भी मतलब तो, जोर 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 इतना जोर खास ब्रतभूषण जेल में जान पर लगवा देते वो बाहर नहीं होता आज वो भीतर होता जेल का और आप हम भी कुश्ती कर रहे होते आप भी कुश्ती कर रहे होते आपका हक मिलता हमने अपना हक मिलता ना तो आप

और ठाडा तो वो दसा ना रहा गया वो तो ठा होगा था, जब भी मारेगा एक ठाडा रहा है तो हमने बस है। जो तो त... अगर जितना तो ठंडा बन गया जितो फिर इतना जोर बरजभूषण ने जेल में डाल पे क्यों नहीं डाल इन्हें अकबर भूषण ने जेल में डालो अगर कुछ हम कुश्ती क्यों छोड़ दिया मतलब कुश्ती क्यों मेरी मैं बताने लग रही मेरी बीस साल हो गए कुश्ती करते आई ओलंपिक में लिया मत खाली आर ना बैठी है मेरी मां के में मा ओलंपिक का सपना मेरी बेटी का ओलंपिक का मेडल आना चाहिए मेरा भी सपना है क्यों छोड़ दो मैं कुश्ती जित लेकिन न्यू थोड़ी जितने पहले न्यू का देख मैं उस फिर मैं उसने पलट देता न्यू ना आया कराया मतलब एक थोड़ी सी बड़का ने मिसगाइड करने लग रहे हैं बोलने खातर भी एक हर चीज की एक लिमिट हो है सुनने की भी सुना की भी ना हम किसे किस के, के बारे में मैं गलत नहीं बोलते गलत करया है ठीक आप अपनी लड़ाई लड़ो आप अपने बारे में बताओ कि मैं दूसरा ने कुछ नहीं करता है कुछ नहीं जीता है वो भी तो गलत है ना मतलब बड़क ने खुद सोचनी चाहिए कि मतलब आप किसके बारे में क्या बोलने लग रहा है एक चीज और बता दू क्या नाम अंतिम बेटा तू कह लाग रही है कि मैं पहली भारतीय महिला बनी थी गोल्ड जीत के

मन ने मेरी ने एक चीज सिखा रहा कि दे दे, तो कि है बेटा इंसान भलाई देना परमात्मा ने बलाई जरूर देनी जी का है की परमात्मा हमने जरूर अपना आशीर्वाद ही आए थे कितरी अठाली कोई बरसाती मिनट लग रहे हैं जो वे अपने उसताज ने बताने ते लकड़ रहे हैं, वे दो तीन है जो अः एक वो बा बन रहा है बबा ने भी क्यू कलंक लग रहा है मेरे भाई तू कुछ कोच भी था बतावा है मन्नत बेराना पहलवान भी बताओ किसा पहलवान तार कुण तन रुस्तम तैयार कर दिया वो भी बता दे तू बजरंग जितने भी बोल रहा है ना तो एक काम करो ना पूरा कुश्ती जगत इकट्ठा बैठ जाओ ठीक है फेसबुक का बताओ मैं मैं बताना नहीं कुश्ती ने बदनाम करने की, की ये ये आवे है फेसबुक का कुश्ती जगत एक जगह बैठा लो कितने भी मीटिंग टेक लो

हमने भी तो इतना साल कुश्ती दिए है कुश्ती दे दे। बन रहे हो कुश्ती लो सारे इकट्ठे बैठ के एक बार मारे सवाल का जवाब दे दो देंगे। यो काम करना वो काम कर देंगे हम पाछे ना हम खुद हट जाओगे हमारे दिखाई ना और बताओ हाँ बस कुश्ती का इतना ये फेसबुक का की लड़ाई है ना वो तो फैली बैठा है दो बार तो लोट लिया ठीक है

इतना ही सपोर्टिव ना तो हर सही आदमी मतलब, बत, बत, बार बार हम नहीं आओगे लाइव क्योंकि यो है काम नहीं भाई पहलवानी भी करे है जो हमारी लड़ाई है वो हमारी कोर्ट में भी चल रही है और ट्रेनिंग भी कर ला रहे भाई एशियन गेम्स है वर्ल्ड चैंपियनशिप है दो बड़े ठीक है ना तो यह जो लड़ाई थी, थी। किसे ट्रायल की कुश्ती मजान की लड़ाई ना लड़ी थी हमने जो लड़ाई लड़ी थी लड़कियां की सबसे बड़ी लड़ाई थी हमारी लड़कियां की सेकेंडरी थी सारी चीज और जिस रूल को ऊपर ना ये रूल भी हूं ना गुरु ने बना रखा रखे ब्रजभूषण ने जब कि जा रहे थे ये यो के रूल बनवाने लाग रहे हो अपनी मर मर्जी का रूल बना जब कौन बोले ये ना अरे तो खुद खुद जाए भी पांच सात साल छोटे जब होना बोलिया कि मैं भी ना बोलिया ब्रजभूषण के खिलाफ क्यों बोल लगा

समाज ने बहुत सपोर्ट कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत बहुत वो गलत इसी बात ना है कि नहीं समझते लेकिन फिर भी हम वो है कि इस तरह आदमी जो जहर घोड़ के ना कुछ पढ़ कर न्याओगे ना और पावा है परमात्मा ने हर इंसान में बुरे आदमी में इतनी ताकत दी है जितना वो अपना यूज कर सके उसने अपनी सारी ताकत यूज कर ली ना हुआ उसका में भी। बलाई कुछ कर लियो बलाई तो बलाई रोएगी सच्चाई सच्चाई ना मुड़ा रहा क्या इतने भी सच्चाई बोला तो हर उसका बोल छोड़ क्या सब क्या तो दे के आने ले क्यों है पहले दे के आ किसे पांच चार बार का नौकरी लगवा किन जब ये ओलंपिक के बाद में जब ये ये, ये सौ दो सौ बालका पर बैन लगाया था ब्रदूषण कंपटीशन खिला जबरदस्त थी वह बड़ा खेले कौन थे उन बड़का बैन लगा था, तो था जब तू तो कौन बोल रहे हो कि मैं भी अब जूनियर बालक पर बैन लगाना लग रहे वो सौ दो सौ बाड़क थे कि मैं भी नहीं चूस किया क्यों उसने याद आगी कि हाँ मैं कुश्ती भी हूँ मैं तो सोची थी मैं भूल रहा है कुश्ती तो कौन ही कोई आदमी कौन है मारा कुश्ती का मखा आमने आगे जाना पड़ा क्यों आगे जाना पड़ता जब ये वाले आदमी पहले बोल पड़ते तो मारा पड़े। जब पहले की थे मारा समझ में ना आती जो ही हम बोल रहे हैं जब सारा का कर वो जीप भी लगड़िया कान भी लगड़ा एक चीज और मैं बोता हूँ ये कहते ना भले धरने पर तो ये भी थे और भी थे धरने पर पैतीस दिन लगातार हम सात आदमी थे जब क्यों ना पड़ते फायदा पर तो, साथ थे, दो का एक तो पांच की छब है जो है वो हमारा परिवार का उसने के रखा था साक्षी ओलंपिक मेडल ले रही है उसने के रखा था हमने खुद दुखो क्यों ना कर हमने तो ट्रायल का मौका मांगा था ट्रायल का मौका बना दिया हमारी चाल तो थी हम तो फिर सत्ता है सत्ता सीधा सिलेक्शन करवावे मचल रही थी तो उन बात किसका किसके करके बिगाड़ रखा था मैंने तूने भी करा की थी लेकिन ना कर भाई मारे हिसाब तो फेडरेशन चलती मारे हिसाब तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री चलती तो बिरानी हमके का के करवा लेते मारे हिसाब तो कुछ ना चलता हम तो संघर्ष करने लाग रहे हां संघर्ष में साथी बनो ना अपने मतलब की तो सबने सपोर्ट सी है कि मैंने सपोर्ट दो मार, मारी ट्रायल ना होती या मार खातर न्यू हो गया अरे भाई जब जब कुश्ती की सिर्फ कुश्ती की लड़ाई आ रही थी जब हम ही आगे शामी बैठ जाते जब तो सब नहीं हो सोचे काम ही क्यों निशाने पावा बड़ भूषण कदे मरवा दे मारा के मतलब से कदे गणे आदमी तो न्यू कह हारते कद उल्टा है ब्रज भूषण जा अरे मगर कुश्ती है अगर तगड़ा होगा तो ब्रज भूषण आए पास भी जागा हाँ। हाँ। पार पकड़े थोड़ी खेच लेगा तो। ब्रजभूषण रहेगा तो तो कोच कोच, बोले हम रहे वो के लाओगे और ब्रजभूषण चले आ गए शहीद के लाओगे ये कोच कोच कह थे जो हमारे सीनियर कैंप के कोच है चीफ कोच है फलाने दगड़े सारे

जो भ्रम फैलाने लग रही हैं जो खुद उस चीज का फायदा उठा कर कुश्ती की पवित्रता होने लग रही है कुश्ती की पवित्रता देखते हुए मेरे भाई कुश्ती की पवित्रता उस दिन दी गई थी जिस दिन तम जब छोरी की जब लड़ाई आई इज्जत और मान सम्मान की जब आगन आए थम उस दिन दी गई थारी पवित्रता तम कितने बड्डे जब, जब तो सबूत मांगे थे सबूत तो पुलिस दो ले लो ना सबूत

गलत अगर गलत लग गया तो सारे साथ में बैठो फिर अगर मतान ला सारी कुश्ती जगत सारा एक जगह बैठ जाओ किसी चीज की जरूरत को नहीं हमने ट्रायल ले रही है ना नोट दे हम बोल दे हाँ तो कुश्ती जगत खुद करवा देगा जुट के बात कर लो एक बार बैठ के बात कर लो बात करो चल सारे इकट्ठे हो गए एक बार कुश्ती जगत है सवाल होंगे थारे है जो जो थम ले रहे हो थारे के सवाल आगे हम जवाब दे दे दियो और जित गलत होंगे हम दो को वो छोड़े

जो बला बला सम्मानित करे है। बदनाम ना करो जो भी है कुश्ती जगत बैठ के फैसला लियो ना ये फेसबुक का बोल रहा है पकड़ो नहीं कर बोलना ला रहे तुम किसी के खिलाफ भी चाहे कोच हो चाहे खिलाड़ी हो इकट्ठे बैठ जाओ और जिस दिन कुश्ती जगत इकट्ठा बैठ गया

फेसबुक पे आगे फेसबुक या मत बन अपनी इमेज ने खुद सवारो ना कि दूसरे का सारा लेके एक मतलब जी पर सेक्सुअल के केस लग रहे पहला कितने केस लग रहे उस आदमी ने हम कितने करोगे भाई कितने करोगे कुछ शर्म कर लो ठीक है ना इतना ही है सारे भैया राम राम और कोई गलत चीज होगी उसके लिए सॉरी पर इन इसे इसे जो ये दो तीन जो समाज में लकड़का है ना अगर भाई हम समाज के ठेकेदार हैं उन तब कर रही हो भाई भाई ठीक, ठीक है ना सारे भाई राम राम जय हिंद जय भारत धन्यवाद जी सभी को जय हिंद दोस्तों मेरा नाम बाबू और आप देख रहे मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी आज मेरा कोई वीडियो बनाने का मूड नहीं था मैं दिन भर बाद बहुत व्यस्त रहा अपने निजी कामों में अभी भी मैं दिल्ली में ही हूँ पर अभी विनेश और बजरंग ने एक लाइव किया है शाम साढ़े बजे और उस लाइव में बाकायदा मेरा नाम लिया है दो तीन चार बार इसलिए मुझे मजबूरन वो मेरा नाम लेके जो प्रलाप कर रहे थे ना उसका जवाब देने के लिए मुझे मजबूरन इस वक्त वीडियो बनाना पड़ रहा है ये तो उन्होंने आधे घंटे के लाइव में दुनिया भर की सब बातें की आज मैं पहले मैं आमतौर पर नोट्स बना के ना वीडियो नहीं बनाता हूं पर आज पहली बार मैंने ना उनके पहले लाइव को एक बार सुना और दूसरी बार सुना और ये देखिए कॉपी में बकायदे नोट्स बनाए हैं और आज नोट्स बना के पॉइंट टू पॉइंट जवाब दूंगा उनकी बातों का तो सब बात ये है कि तीस पैंतीस मिनट के वीडियो में वो बार बार ये कहते रहे कि हमने ट्रायल से छूट नहीं मांगी थी हमने ट्रायल से छूट नहीं मांगी थी अगर तुमने छूट नहीं मांगी थी तो तुमको जब जबरदस्ती दे दी गई एडॉक्ट कमेटी के द्वारा और तुम्हारे वो जो दो राहु के तो तुमने बिठा रखे हैं उनके द्वारा तो आप रिफ्यूज कर देते और आगे ट्रायल में लड़ते क्यों नहीं लड़े आखिर दैया भी तो अनफिट था ट्रायल में छूट की ऑप्शन तो रवि दैया के पास भी थी पर उसने तो वो ऑप्शन नहीं ली वो लड़ा फिट अनफिट अलग बात होती है वो अनफिट था इसके बावजूद लड़ा आपकी तरह एडहक कमेटी के नियम के पीछे छुप के ट्रायल के दिन देश से भाग के किर्गिस्तान और बुडापेस्ट में छुप के नहीं बैठा वो बाकायदे लड़ा और मर्द की तरह एक योद्धा की तरह युद्ध भूमि में हारा वो भागा नहीं तुम्हारी तरह अगर तुम असल योद्धा थे ना असल पहलवान थे तो तुम भी लड़ते बोले हमने तो छूट नहीं मांगी थी जबरदस्ती दे दी अरे जब छूट नहीं मांगी तो आगे लड़ो वीडियो के अंत में बोलता है कि बेटी अंतिम ना तो कभी विनेश हारी है ना मैं हारा हूं अरे आरते वो हैं जो लड़ेंगे कब दी तुमने ट्रायल भैया फेयर ट्रायल कल एक, -एक पहलवान चार चार कुश्ती लड़ा है दब जाके फाइनल जीता है तुमको चाहिए सिंगल बाउट ट्रायल या तुमको चाहिए सेमीफाइनल में डायरेक्ट एंट्री बच्चों के साथ आओ और एक दिन में तीन घंटे के अंदर चार कुश्ती लड़ो तब तो हारोगे जीतोगे बिना ट्रायल के तुम खेलोगे सिंगल बाउट ट्रायल तुमको चाहिए डायरेक्ट सेमीफाइनल एंट्री तुमको चाहिए उसमें भी तुम सेटिंग कर लोगे बोले हम हारे नहीं अरे भैया हारता वो है जो लड़ता है रवि दैया हारा क्यों क्योंकि लड़ा हम हारे नहीं कभी हारने के लिए लड़ना पड़ता है बोलिया पीछे पहले भी ब्रजभूषण सिंह के कार्यकाल में बगैर ट्रायल के टीम का सिलेक्शन होता था अरे भैया पहले तो बहुत कुछ होता था आज की बात कीजिए आज वही ब्रजभूषण सिंह कह रहा है आज पूरा कुश्ती जगत कह रहा है कि ट्रायल दो जीतो और जाओ और हम भी यही कह रहे हैं आपको हमारी बात बहुत बुरी लग रही है ना पर हम बात न्याय की कर रहे हैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हम ये नहीं कहते कि आप खराब पहलवान हैं भैया आप बहुत अच्छे पहलवान हैं पर उसको सिद्ध करो मैट पे ये आधा घंटा जो लाइव किया है ना यह लाइव ना करते अगर मैट पे लड़ लेते ना तो ये लाइव करने की जरूरत नहीं पड़ती वो एक बार एक आ, सम्मान समारोह में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था उसको बोले जी वो सम्मान समारोह में ना दो चार मिनट माइक पे बोलना पड़ता है तो बोले जी देखो ऐसा है हम हैं खिलाड़ी आदमी हमें बोलना बालना नहीं आता हम तो जी एक ही कर्तव्य जानते हैं अपनी स्पोर्ट्स का और हमसे ग्राउंड में चाहे जो मर्जी करवा लो हम अपनी परफॉर्मेंस हम अपनी बात हमारी बात कहने का हमको एक ही तरीका मालूम है ग्राउंड में परफॉर्म करके हम अपनी बात कहते हैं वी आर परफॉर्मर्स विनेश जी एन बजरंग जी आप जो ये पैंतीस मिनट तक गाल बजा के कुतर्क दे के भोथरी घटिया बातें करके मुझे योगेश्वर दत्त को और सुंदर पहलवान को और बाकी लोगों को और ब्रिजभूषण सिंह को कोस रहे थे ना अरे सबके मुंह बंद हो जाते हमारे मुंह से बोल नहीं निकलती किसी के अगर तुम ट्रायल में आते जीतते और तुम्हारा नाम टीम की एंट्री में जाता आज तुम बिना लड़े अच्छा ये कह रहे हैं, हमने तो टाइम मांगा था टाइम मांगा था टाइम मांगा था अरे भैया टाइम देने वाली एडॉक कमेटी होती कौन है टाइम देने वाले थे एशियन गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी उसने एक हफ्ते का टाइम दिया पंद्रह अगस्त को एंट्री भेजनी थी पंद्रह जुलाई को तेईस जुलाई को भेज दी उसने एक हफ्ते का टाइम दिया तो टाइम अडॉप कमेटी को देना ही नहीं था और एक तरफ तो तुम कह रही थी कि हम तो धरने के दौरान भी पूरी पहलवानी कर रहे थे फिर किस बात का टाइम चाहिए भाई तुम्हें और तुमको इतनी पहलवानी की चिंता थी तो खा, अनावश्यक खाम खा का धरना अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए अपने निजी इंटरेस्ट के लिए आप पैंतीस दिन धरने पे बैठे थे कोई जरूरत नहीं थी उस धरने की और अंत में उठे ना क्यों उठे जिस दिन एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी आपका काम खत्म हो गया था कि आप उठ के अपनी पहलवानी करनी चाहिए थी और आप कहते हो कि आपने ट्रायल से छूट नहीं मांगी थी आप जब अमित शाह जी से मिलने गए थे तो आपकी नौ डिमांड्स थी मैं इस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं उन नौ में एक प्रमुख डिमांड थी कि हमको या तो सिंगल बाउट ट्रायल लड़ाई जाए या हमारा नाम विदाउट ट्रायल पूर्व परफॉर्मेंस के आधार पे हमारा नाम एशियन गेम्स की एंट्री में भेजा जाए यह आपने गवर्नमेंट से मांगा है इसलिए आपका यह झूठ चलेगा नहीं और यहां तक कहा गया है कि अरे भैया हमने उनसे वादा कर लिया है हम लोग पिछले पांच दिन से लगातार दिल्ली में आपकी यही पोल खोल अभियान चला रहे थे और आप अब छूट बोल रहे हैं कि हमने ट्रायल से छूट नहीं मांगी थी अरे अगर असली नहीं मांगी थी और असली लड़ाके थे तो रवि दया कितना के मैट पे लड़ते गाल नहीं बजाते यूट्यूब पे बैठ के फेसबुक पे बैठ के इसके अलावा कहते हमने कुश्ती को बदनाम किया कुश्ती को हमने बदनाम किया कुश्ती की एक हजार लड़कियों पर लांछन तुमने लगाया ब्रजभूषण शरण सिंह पे झूठे आरोप तुमने लगाए बिना किसी प्रूफ के आरोप तुमने लगाए आ गई है पब्लिक डोमेन में चार्जशीट मुकदमा भी शुरू हो गया है बहुत जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सारी दुनिया को पता लग जाएगा कि कुश्ती को बदनाम किसने किया अपने निजी फायदे के लिए एक हजार बेटियों को बदनाम करने वाले लोग आज हमको बोल रहे हैं कि कुश्ती को हमने बदनाम किया आज पूरी दुनिया में भारतीय कुश्ती समाज की अगर थूथू हो रही है तो हमारे कारण नहीं हो रही है आपके कारण हो रही है आज सारा कुश्ती जगत और सारा खेल जगत आज एक आम आदमी भी आपको ट्रायलों से बच के भगौड़ों की तरह भागने और बिना ट्रायल लड़े अपना नाम एशियन गेम्स एंट्री में भिजवाने के लिए आपको के ऊपर थुथु कर रहा है कुश्ती की बदनामी आपने कराई है हमने नहीं कराई हम तो खाली सच बोलने की सजा पा रहे हैं आज भी आपने ये फेसबुक लाइव किया ना मुझे मालूम है कोई इसका जवाब नहीं देगा पर मैं दूंगा क्योंकि मैं चुप बैठने वाला आदमी नहीं हूं और एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा आपने कहा ना बाबा है बाबा को कलंकित कर रहा है अरे भैया मैंने कौन सा बाबा वर्ड को कलंकित कर दिया मैं तो सच बोल रहा हूं और तुमको एक्सपोज कर रहा हूं पहलवानी को और लड़की होने को महिला होने को बेटी होने को कलंकित तुमने किया है विनेश फोगाट तुम्हारे इस गिरोह ने किया है हमने नहीं किया कहते बेटियों के लिए बुरा बोलता है कभी किसी हम एक हजार बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे तुम उनका जलूस निकलवा रही थी जब ये बोल रही थी कि एक हजार बेटियां जो है वो उनके साथ ये सब हुआ तो बेटियों को कलंकित तुमने किया है और अपने निजी फायदे के लिए किया है और इसका भी दूध बहुत दिन बाकी नहीं है साल छह महीने के अंदर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कोर्ट से वैसे चार शीट में हो चुका है चार शीट पढ़ लेना कहो तो एक, एक पेज एक एक पन्ना पुलिस ने जो जांच की है उसमें बत्तीस लोगों के बयान लिए बत्तीस में से तीस ने यह कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई सिर्फ आपके जो दो, दो गुर्गे थे उन्होंने कहा नहीं हाँ हमने देखा हाँ हमने सुना था सुना था वो भी देखा नहीं था कोई प्रूफ नहीं दिया आपने वो जो जिसको आप प्रूफ बोल रही है ना चार्जशीट में बहस में वो धज्जियां उड़ जाएंगी उस प्रूफ की इसको प्रूफ नहीं कहते तो इसलिए बेटियों को आपने बदनाम किया है कुश्ती को आपने बदनाम किया है बेटियों के लिए बुरा आप बोली हैं आपने कहा था कि अगर टीम में दस लड़कियां गई हैं तो दस की दस उसके तले के लड़के गई हैं यह शब्द आपने बोला था मैंने नहीं बोला था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में दस लड़कियों की टीम गई तो दस की दस ऐसे समझौते करके गई यह शब्द आपके हैं इसलिए कुश्ती को और बेटियों को कलंकित आपने किया है मैंने नहीं मैंने तो यह डंके की चोट पर कहा कि झूठ बोला जा रहा है ऐसा कुछ नहीं किया गया हमारी बेटियां पवित्र हैं गोमुख से निकली हुई गंगा की तरह पवित्र हैं हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं आपके झूठ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उसके बाद आपने कहा है साहब की समाज रोड पे खड़ा था आपके साथ कोई नहीं खड़ा था पहले दिन आप बरगला के दस बीस पच्चीस पचास पहलवानों को ले आई थी अगले धरने में आपके किसी धरने में कुश्ती सम आपके इन छह लोगों के जिसका आप नाम ले रही थी ना आप जितेंद्र किन्हा एंड वो और वो दो एक फिजियोथेरापिस्ट और वो एक जो मंदीप नाम का वो चलाता है उसके अलावा कुश्ती समाज का कौन आदमी था और ये आपके राहु केतु थे और ये चार छह कोचेस थे जिनके अपने वेस्टर्न इंटरेस्ट थे कुछ उन मजबूरी में के लाए गए थे आज पछताते हैं उस चीज को लेकर और कौन था कुश्ती समाज समझ में आपके साथ बताना जा रहा धरने पर पैंतीस दिन आपके साथ थे चंद्रशेखर रावण आपके साथ थे सत्यपाल मलिक आपके साथ थे हनुमान बेनीवाल आपके साथ था जे गैंग आपके साथ था डफली गैंग आपके साथ था शाहीन शाहीन बाग वाला गैंग आपके साथ था पप्पू यादव आपके साथ थे फर्जी किसान लीडर ये था आपको पब्लिक सपोर्ट कुश्ती जगत का एक भी आदमी आपके सपोर्ट में नहीं आया एक भी पहलवान बता दो जो आया हो तो आप यह मत कहिए कि आपके साथ कुश्ती समाज खड़ा था जी नहीं कुश्ती समाज या कोई भी समाज आपके साथ नहीं था आपके साथ सिर्फ पॉलिटिशियंस खड़े थे कांग्रेस पार्टी खड़ी थी आम आदमी पार्टी खड़ी थी आपके साथ हरियाणा कांग्रेस खड़ी थी समाज नहीं खड़ा था इसलिए ये मत बरगलाइए आप लोगों को उसके बाद आपने कहा है कि हम लोग YouTube पे नेतागिरी करते हैं YouTube एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आपके जैसे एक्स लोगों को एक्सपोज करने के लिए टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें मिला है और हम YouTube के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और आपके जैसे लोगों को एक्सपोज करते हैं आपके झूठ का पर्दाफाश करते हैं इसलिए आप YouTube को ना कम मत आके और एक बात और बता दू ठीक है हम तो यूट्यूबर है तुम सब फेसबुक हो मैट पे तो तुमसे आया नहीं जाता अरे मैं यूट्यूबर हूं हां मैं तो आई एम प्राउड टू बी ए यूट्यूबर तुम फेसबुकीय हो फेसबुक लाइव कर रहे हो अरे कल मैट पे लाइव करते ना सारी दुनिया देखती लाइव आने का अगर इतना ही शौक है जवाब दे मैट पे जवाब दो हर बात का मैट पे सबको लड़के हराओ फिर बोलो ओए और कोई जवाब तुम मैट पे सबको हराओ और फर्स्ट आओ एशियन गेम खेलने जाओ कोई तुमसे सवाल ही नहीं पूछेगा आपको किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा और जब आप ट्रायल से भागेंगे बहाने बनाएंगे तो आपको इसी तरह फेसबुकिया बनना पड़ेगा हम अगर यूट्यूबर हैं तो आप फेसबुकिए हैं फेसबुक पे लड़ाई लड़ रहे हैं मैट पे आओ ना छोटे छोटे बच्चे चैलेंज कर रहे हैं उनसे लड़ो और एक कुश्ती वाली देखो अब फिर ट्रायल दोगे तुम कह रहे ना, हो ना दस तारीख को आओगे वर्ल्ड चैंपियनशिप वाली ट्रायल दोगे सिंगल बाउट ट्रायल नहीं होगी बाकायदा ड्रॉ पड़ेगा चार वो लड़ेंगे एक तुम मैं तो कहता हूं सबकी कुश्ती सबसे कराओ चार कुश्ती लड़ो मैट पे एक फैशन में फिर पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी चार कुश्ती लड़ने का अगर मादा है भुजाओं में बल है छाती में जोर है तब तो आओ मैं तो सिंगल बाउड अच्छा दो करा लेंगे उसमें एक से सेटिंग कर लोगे सब तुम्हारे अखाड़े के हैं आप लोग तो ट्रायल्स में सेटिंग भी कर लेते हैं ना? पता लगा अगर फेयर ट्रायल हो भी दिया तो दो लोगों से सेटिंग करके दो लोगों से वाक्य पर ले लिया तुम्हारा जोर ही नहीं लगा अगले की तीन कुश्ती लड़वा के जोर लगवा दिया तो फेसबुक पे पहलवान मत बनो पहलवान बना जाता है मैट पे हमको यूट्यूबर बोलने से पहले खुद देख लो कि तुम भी अब सिर्फ फेसबुक ही बन गए हो जिस दिन मैट पर जीत जाओगे हम पहलवान बोलने लगेंगे कहते ट्रायल से भागा कौन है अभी तुमने कहा कि हम तो ट्रायल से नहीं भागे अरे ट्रायल में लड़ा कौन है ये बताओ अगर कल ट्रायल दी होती तब ये कह सकते थे कि हम हां ट्रायल से रवि दैया नहीं भागा ट्रायल से दीपक पूनिया नहीं भागा ट्रायल से अंशु मलिक नहीं भागी ट्रायल से सरिता मोर नहीं भागी ट्रायल से वो साढ़े तीन सौ बच्चे जो कल लड़े थे वो नहीं भागे तुम ट्रायल के भगोड़े हो बोले ट्रायल से भागा कौन है लड़े है नहीं बोले हम भागे नहीं बिना लड़े तुम्हारा नाम एशियन गेम्स की एंट्री में चला गया बोले हम ट्रायल से भागे नहीं हम किसी के बोले हम किसी के बारे में गलत नहीं बोलते अरे तुम्हारे जितना गलत तो आज तक धरती पे किसी ने नहीं बोला होगा तुमने जितना गलत बोला है देश की बेटियों के बारे में हमने तो हम तो देश की बेटियों की इज्जत की लड़ाई लड़ रहे हैं देश की बेटियों को कलंकित तो तुम कर रही हो सारी कुश्ती को भारतीय कुश्ती को पूरी दुनिया में कलंकित तुमने किया तु, तुम ही थे ना जिसने यू -ड़ु 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 को चिट्ठी लिखी थी कि दिल्ली में जो है एशियन चैंपियनशिप नहीं होनी चाहिए क्योंकि यहां पे लड़कियां सुरक्षित तो नहीं है भारत देश लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है इसलिए यहां पे एशियन चैंपियनशिप नहीं होनी चाहिए देश को पूरी दुनिया में बदनाम करने वाले कौन थे कौन? किसने गलत बोला सारी मतलब यूडब्ल्यूडब्ल्यू को चिंता करनी पड़ी कि द रेसलर्स आर नॉट सेफ इन इंडिया यह बयान यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने दिया क्योंकि तो तुमने उनको मेल्स लिख के यह कहा था कहते गलत हम बोल रहे हैं आपने पूरी कुश्ती को भारतीय कुश्ती को दुनिया भर में कलंकित किया है आज पूरी पूरी दुनिया में भारतीय कुश्ती की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि आपके इस प्रपंच के कारण जो इमेज बनी है और वह इमेज आपने बनाई है मैंने नहीं बनाई है फिर वही बात है अंत में लास्ट पॉइंट हम तो जी अपना काम कर रहे हैं हमने किसी न इस भगवे कपड़े को कलंकित किया न इस भेस को इस स्वरूप को इस वेशभूषा को कलंकित किया तुमने पहलवानी को कलंकित किया है मैं तो अपना काम कर रहा हूं लोग कहते हैं आप तो बाबा बन गए आपको दुनियादारी से क्या मतलब है नहीं जब आदमी बाबा बन जाता है तो वो परिवार से दूर हो जाता है पर देश के लिए समाज के लिए मानवता के लिए वसुधैव कुटुंबकम वाले भाव से काम करता है पहले मेरा सिर्फ एक परिवार था एक पत्नी और दो तीन बच्चों के लिए मैं अपना सारी जिंदगी यत्न करता रहा आज मैं इस पूरे देश और समाज का आदमी हूँ अब ये पूरा देश पूरा समाज मेरा परिवार है बाबा बनने का ये मतलब नहीं है वा मैं वान प्रस्थी हूँ अभी संन्यास नहीं लिया मैंने मैं वान प्रस्ती हूँ वान प्रस्थ के लिए ये प्रावधान है कि अस्सी परसेंट समय समाज को देगा समाज के लिए कार्य करेगा बीस परसेंट 30% अभी भी घर की देखभाल करेगा वाहन का यह नियम है मैं अभी भी 80% परसेंट से ज्यादा समाज के लिए कार्य करता हूं एक मंदिर में रहता हूं एक झोपड़ी में रहता हूं उबला हुआ खाना खाता हूं जंगल से हरे पत्ते तोड़ के उनको उबाल के खाता हूं मैं समाज में अपनी जिम्मेवारियों से भागा नहीं हूं मैं मान सम्मान यश अपयश से ऊपर उठ चुका हूं मुझे सच बोलना है आप चाहे जितनी गालियां दो मुझे आप मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो हम सच बोलेंगे और ऐसे ही बोलेंगे और तथ्यों पे बात करेंगे क्योंकि यही हमारा काम है अब हमें अपना परिवार घर नहीं देखना अब तो हमको तुम्हारे जैसे लोगों को ही ठीक करना है हम समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे हम पूरे व्यापक कुश्ती समाज के लिए काम कर रहे हैं हम पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं इसलिए आप हमारे पे थोड़ा कम फोकस करो हमें अपना काम करने दो आप अपना काम करो हमारा काम यही है अब देश हित में समाज हित में समाज के मुद्दों पर बोलना समाज के मुद्दों पर समाज में देश में काम करना यह मेरा काम है मैं अपना काम बखूबी कर रहा हूं पूरे समाज को जागृत कर रहा हूं और तुम्हारे जैसे लोगों की पोल खोल रहा हूं तुम्हारा काम है पहलवानी करना इसलिए तुम ये फेसबुक लाइव कम करो अपनी पहलवानी कर लो और ये जो अपने माथे पे तुमने भगोड़े का कलंक भाई रवि हार गया पर भगोड़े का कलंक नहीं लगा ना आज सारे हिंदुस्तान में सारे कुश्ती जगत में रवि की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है कि वो हारा पर लड़के हारा तुम्हारी गिनती भगोड़ों में हो रही है हिंदुस्तान में आके पता लगाओ कि आज तुम्हारी क्या इमेज है और जितने वो तुम्हारे कोचेस तुम्हारे साथ खड़े थे ना सो कॉल्ड सबने वीडियो बना के तुम्हारी इस कृत की निंदा की है और कहा है कि ये बहुत गलत पॉलिसी है बिना ट्रायल ये किसी जूनियर बच्चे का हक मारकर इस तरह एशियन गेम में पार्टिसिपेशन करना इससे घटिया नीच कर्म नहीं हो सकता जो तुम दोनों ने किया है इसलिए सफाइया मत दो आके यहां ट्रायल दो लड़के जाओ तुम तगड़े हो बहुत अच्छी बात है तगड़े हो तो उसको मैट पे सिद्ध करो फेसबुक लाइव में सिद्ध मत करो आज के लिए इतना ही सुबह इस पर एक और डिटेल्ड वीडियो बनेगी ये तो जल्दीबाजी में बनाई है कल सुबह फिर से मिलते हैं ये थोड़ी सी लेट आ रही है पर चूंकि इनका लाइव लेट हुआ ना कल सुबह फिर से मिलते हैं जी थैंक यू वेरी मच